मॉर्निंग बेटा, आज हम इन वर्ड्स की रिवीजन करेंगे। 21 से लेकर 40 तक एफ ए टू की रिवीजन चल रही है बेटा। 31 से हमारे पेपर शुरू हैं, इसलिए हम आजकल रिवीजन कर रहे हैं। मैथ की रिवीजन करवाऊंगी मैं आज। हमने फॉरवर्ड काउंटिंग 101 से लेकर 200 तक कर लिया, और एक हमने टेबल्स कर लिए 6 और 7 की। आज मैं आपको एडिशन के सम कराऊंगी और जो इन वर्ड्स कराऊंगी 21 से लेकर 40 तक। चलो हम इन वर्ड्स करें। हाँ जी बेटा, 21 TWENTY 20 ONE 21 1 2 के स्पेलिंग तो बेटा आपको आने चाहिए। जहाँ 20 वाली लाइन है, आगे आगे 20 आ जाएगा और पीछे 1 2 वाला स्पेलिंग आ जाएंगे। जो 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, TWO 2। ये मैं मिक्स करके लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको बीच बीच में से ही आएंगे पेपर में भी। ऐसे नहीं कि आपको कंटिन्यूसली आ जाएंगे, जैसे 21 से लेकर 30 तक लिखो, ऐसे नहीं आएंगे आपको, बीच बीच में से आएंगे। वैसे ही मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ। आगे आ गया TWENTY 20, TWO 2 22। आगे बेटा है 24, TWENTY 20, FOUR 4, 24, 26, TWENTY 20, SIX 6, 26। आपने मेरे जैसे बोल बोल के लिखना है, तभी आपको अच्छे से जो सारे स्पेलिंग आएंगे। आगे आ गया बेटा 29, TWENTY 20, NINE 9। आगे आ गया बेटा 30, इसको लिखेंगे हम THIRTY 30। आगे आ गया बेटा 33, तो हम लिखेंगे THIRTY 30, THRWE 3 33। आगे आ गया बेटा 35, TH, आपने बॉटम लाइन को टच करवा के लिखना है, THIRTY 30, FIVE 5 35। आगे आ गया बेटा 36, THIRTY 30, SIX 6 SIX 6। आगे आगे बेटा 37, THIRTY 30, SEVEN 7। आगे आ गया 38, THIRTY 30, EIGHT 8 38। आगे आ गया बेटा 40, हम अब 40 के स्पेलिंग लिखेंगे, FORTY 40, इसमें यू नहीं आएगा, FOUR 4 होता है, लेकिन हम बोलते हैं 40, FORTY 40। जो आपने जो टी डालनी है, जो कैपिटल कर्सर राइटिंग में डालनी है, ध्यान से करना है बेटा, आपने बोल बोल के करना है, जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको अच्छे से याद होगा। बॉटम लाइन को
टच करवा के, डिजिट भी टच करवा के लिखने, और जो वर्ड्स भी आपने टच करवा के लिखने। ओके हाँ जी बेटा, अब हम सम्स ऑफ ऐड करेंगे, एडिशन के सम करेंगे, मतलब इसमें हमने जोड़ना ही है, लाइनें लगा के इसमें जोड़ना है। मैं पहला सम करने जा रही हूँ, देखना ध्यान से, ये 5 है, जहाँ हम 5 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हो गई, और जहाँ 3 हैं 1 2 3, ऊपर कितनी लाइनें लगाई थी मैंने, 5, 5 के बाद हम काउंटिंग करेंगे 6 7 8, जहाँ हमने 8 लिख लेना है। आ गया बेटा, जहाँ 4 है नीचे 5 है, 1 2 3 4, जहाँ नीचे 5 आ गया, 1 2 3 4 5, जहाँ 4 काउंट किए थे हमने, आ गया हम काउंट करेंगे 5 6 7 8 9, जहाँ कितने आ गए, 9, आपने टच करवा के नीचे लाइन को लिखना। चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर ले कर रहे हो, चाहे आप ऐड कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, जहाँ से ही शुरू करोगे, आप पीछे से ही शुरू करोगे बेटा, आगे से नहीं शुरू करना आपने कोई भी सम, चाहे सब्ट्रैक्शन है चाहे एडिशन है, आपने पीछे से शुरू करना। हाँ जी, आगे है जी 2 2 लाइन लगाओ, 1 2, ये नीचे आ गया 1 2 के बाद 3, जहाँ कितना आ गया 3, आ गया बेटा 1 2 3, 3 लाइनें लगाओ, नीचे आप नीचे है 4 1 2 3 4, 3 के बाद काउंट करो 3 4 5 6 7, कितने आ गए 7, जहाँ आप 7 लिखोगे। हाँ जी बेटा, जहाँ 3 है 1 2 3, नीचे 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं है, हमने जहाँ कोई भी लाइन नहीं लगानी, ऊपर 3 है इसलिए हम नीचे क्या लिखेंगे 3। कई बच्चे ऊपर डिजिट होता है नीचे 0 होती है तो 0 लिख देते हैं, लेकिन आपने 0 नहीं लिखनी, आपने जो ऊपर लिखा हुआ उतना ही लिख लेना नीचे, क्योंकि नीचे 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसकी कोई लाइन नहीं लगाएंगे। जहाँ 4 आ गया 1 2 3 4, जहाँ फिर 4 है नीचे 1 2 3 4, 4 के बाद काउंटिंग करो 5 6 7 8, कितने हो गए 8, जहाँ आ गए 8। हाँ जी बेटा, जहाँ 5 है, जहाँ फिर हम लाइनें लगाएंगे 1 2 3 4 5, नीचे 2 है 1 2, इनको काउंट करो 5 के बाद 6 7, कितने आ गए 7, 7 आएंगे यहाँ। हाँ जी, आगे 2 है, जहाँ 1 2, नीचे 1 है, 2 के बाद 3, जहाँ 3 आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ 6 आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2, 2 है तो 2 लाइन लगेंगी, तो आप 6 के बाद काउंट करो 7 8, कितने आ गए 8, जहाँ 8 आ जाएंगे। आगे फिर 4 आ गया 1 2 3 4, जहाँ आ गया 2, 4 के बाद काउंट करो 5 6, आगे आ गए 6, आगे बेटा 6 आ गया, 6 लाइनें लगाओ 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 है 1 2 3, 6 के बाद काउंट करो हम 7 8 9, जहाँ आ जाएगा 9 9, आ गया, आगे देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे है 2, जहाँ आप 2 लाइन लगाएंगे, 7 के बाद काउंट करो 8 9, कितने आ गए 9 9। आपको सारी समझ आ गई होगी बेटा, मैंने लाइनें लगा के आपको सारे समझा दिए हैं, आपने ऐसे ही अपने पेरेंट्स से कोई और डिजिट मतलब लिखा के यहाँ और सम डलवा के तो आपने अपनी प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे से, जी आपकी मैथ की रिवीजन कंप्लीट हो गई है आज। ओके बेटा, थैंक यू।